your question is 1 upon cos of x minus a into cos of x minus b. You are telling me 1 upon cos of x minus b into cos of x minus b. That is, we have started this question. What we will do for this question is we will divide and multiply by sine of b minus a. So this is 1 upon sine of b minus a. So divide and multiply by sine of b minus a. So we will be having sine of b, 1 upon sine of b minus a, and here we will be having sine of b minus a upon cos of x minus a, cos of x minus b. Then हमने क्या किया था इसमें plus and minus x किया था to make it as x minus a and x minus b. So sine of b minus a, so ये हो जाएगा आपका b minus a plus x and minus x. अब हमें x minus b और x minus a बनाना है, तो हम इनकी पेयरिंग करेंगे प्लस बी और माइनस एक्स, प्लस एक्स एंड माइनस ए. देन रीराइट करेंगे हम इसको, साइन ऑफ एक्स माइनस ए, ये आप एक ब्रैकेट में ले लोगे. देन हमें एक्स माइनस बी चाहिए, यहाँ पे माइनस का साइन एक्स के साथ है तो नेगेटिव साइन आप कॉमन ले लेंगे. सो यू विल बी हैविंग साइन ऑफ एक्स माइनस बी अपॉन कॉस ऑफ एक्स माइनस ए, cos of x minus b. अब अगर आप इसको देखो तो ये हमारा फॉर्मूला बन रहा है sin of a minus b. ये पूरा आपका a है, ये पूरा आपका b है, sin of a minus b. So sin of a minus b is sin a cos b. तो a की जगह x minus a sin a cos b, then minus cos a sin b. अब अपॉन में यहाँ पे क्या है हमारे पास, cos of x minus a, cos of x minus b, ये दोनों के नीचे आप अलग अलग लिख दो. अब जो कैंसिलेशन हो रही है वो कैंसिल आउट कर दो, cos of x minus b कैंसिल आउट हो जाएगा. साइन अपॉन cos इज tan, इनको मैंने अलग अलग लिख लिया, 1 अपॉन b माइनस a विद साइन, और यहाँ cos x माइनस a आपका कैंसिल आउट हो गया. सो वी आर हैविंग tan of x minus b dx. इसके बाद आप इसका इंटेग्रल ले लो एंड यू विल गेट योर आंसर. tan का भी हमने फॉर्मूला नहीं किया है, तो इसको आप क्या करो, क्योंकि इंटेग्रल ऑफ tan अभी हमारा नहीं आया है. अगर जैसे हम बाद में कर लेते हैं तो log of sin x इसका होता है, तो यू कैन यूज दैट डायरेक्टली. अदरवाइज आप अब यहाँ पे क्या करोगे, cos of, क्योंकि हमने tan x का इंटेग्रल नहीं किया, अगर यू नो तो यू कैन डायरेक्टली यूज की log of sin x. अदरवाइज यहाँ पे हम क्या करेंगे, cos को पुट कर लेंगे हम t, तो उसका डेरिवेटिव हमारा ऊपर है, दैट विल गिव अस dt. तो 1 बाय cos का जब आप इंटेग्रल लोगे तो दैट विल बी log ऑफ cos x. सेम वे में यहाँ पे cos ऑफ x माइनस b को आप t पुट करेंगे, देन उसका डेरिवेटिव आपका ये dt बन जाएगा. तो 1 अपॉन cos का इंटेग्रल इज log ऑफ cos x. तो अकॉर्डिंगली आप इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, विद नेगेटिव साइन होगा, ये आपने ध्यान रखना है. सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 23. Now moving on to the next question, question number 24.
क्वेश्चन नंबर 20, दिस वाज 22. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 23. वी आर हैविंग साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स. तो इसमें आपने क्या करना है, न्यूमिरेटर अपॉन डिनोमिनेटर अलग अलग कर लेना है. न्यूमिरेटर आप सेपरेट कर लेंगे. यू विल बी हैविंग साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स. जो आपकी कैंसिलेशन हो रही है न्यूमिरेटर डिनोमिनेटर में कैंसिल करके यू विल गेट योर आंसर. सो दिस यू विल डू योर सेल्फ. दिस इज योर होमवर्क पार्ट. नाउ द नेक्स्ट वन, दिस इज ई टू द पावर एक्स इंटू वन प्लस एक्स कॉस स्क्वायर ई टू द पावर एक्स इंटू एक्स. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स को आप टी पुट कर लोगे. एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स को यू विल पुट टी. दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 24. यहाँ जब आप डेरिवेटिव लोगे तो यू इंटू वी का आपका फॉर्मूला लगेगा. दैट इज एक्स एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ ई टू द पावर एक्स इज ई टू द पावर एक्स प्लस e to the power x as it is, derivative of x is 1, this is equal to dt. तो न्यूमिरेटर में जो है आपके पास e to the power x कॉमन ले लो यहाँ से, 1 plus x dx is equal to dt. ये आपका न्यूमिरेटर बन रहा है, replace that with the dt. And denominator में you will be having cos square t, 1 upon cos square t, so you can write down as secant square t. Secant square you know that is the derivative of tan. तो इंटेग्रल ऑफ secant t विल बी tan t. tan को t को रिप्लेस कर दोगे x इंटू ई टू द पावर x से तो यू विल गेट योर आंसर. तो tan t प्लस c साथ में जरूर लिखना है. तो tan t tan x इंटू ई टू द पावर x प्लस c विल बी योर आंसर. सो दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 24. सो ऑप्शन b जो है इसका दैट विल बी योर आंसर. Now moving on to the next questions that are the integrals of some particular functions. अब कुछ specific form में हमें functions given होंगी. We are to find out the integrals of that. उनके एक दो के proofs में आपको करवा दूंगे. एक दो बार आए हुए हैं, ज्यादा नहीं आए हुए. So but you will do them. कि इनकी derivation कैसे हुई है formula की. As a question वो आ जाता है आपको. Derive लिखा नहीं आता, but simplify लिखा आ जाता है कि find the integral of. तो ये आपको पता होना चाहिए कि इसका इंटेग्रल आपका किस तरीके से आया है. फर्स्ट है हमारे पास फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स अपॉन वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डीएक्स. अगर हम इसका फॉर्मूला देखें डायरेक्ट तो दैट इज 1/2 ए लॉग ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी. ये फॉर्मूले आपने लर्न ही करने हैं कि क्योंकि ये समटाइम्स क्या होता है कि डायरेक्ट हमारा फॉर्मूला यूज होता है. जैसे आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चंस गिवन है तो उसमें हमारा ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज होगा. अदरवाइज अगर ये फॉर्मूला इस तरीके से आता है कि फाइंड द इंटेग्रल ऑफ दिस, तो आपने क्या करना है इसके लिए, हमें एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर गिवन है. डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं है हमारे पास. तो हमने क्या करना है, या फिर अगला मेथड जो है आप करोगे वो पार्शियल उसका फ्रैक्शन से करोगे इसको, तो दैट यू कैन यूज पार्शियल डिफरेंशिएशन. यहाँ हमने क्या करना है, हम 2a से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर देंगे. उसके बाद क्योंकि आप x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए लिख सकते हो, तो यहाँ पे फिर हमने क्या करना है, प्लस x एंड माइनस x. अब यहाँ पे 2a है, एक a आप माइनस x के साथ ले लो और एक a जो है वो आप x के साथ ले लो. उसके बाद उनको दोनों को आप अलग अलग करके लिखोगे एंड देन उसका इंटेग्रल लोगे एंड देन यू विल सिंप्लीफाई. तो यहाँ पे जो है हमने प्लस एक्स किया माइनस एक्स किया. अब हमने क्या लेना है, एक हमारे पास एक्स प्लस ए बनेगा, एक एक्स माइनस ए बनेगा. एक्स प्लस ए ये ले लो, एक्स माइनस ए के लिए ये ले लो, इनको अलग अलग लिख लो. तो x प्लस ए माइनस एक्स माइनस ए और अपॉन में इनको अलग अलग लिख लो, एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए सेम वे में यहाँ पे एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए इंटू डी एक्स. एक्स प्लस ए आपका कैंसिल आउट होके वी आर लेफ्ट विद वन अपॉन एक्स माइनस ए.
माइनस यहाँ पे आपका एक्स माइनस ए कैंसिल आउट हो जाएगा, वी आर लेफ्ट विद वन अपॉन एक्स प्लस ए इंटू डी एक्स। अब जब आप इसका इंटेग्रल लोगे, वन अपॉन लीनियर फॉर्म है तो उसका इंटेग्रल इज लॉग ऑफ, तो दिस इज लॉग ऑफ एक्स माइनस ए माइनस वन अपॉन एक्स प्लस ए का इंटेग्रल इज लॉग ऑफ एक्स प्लस ए, प्लस सी आपने लगाना ही लगाना है। अब आपको पता है लॉग ऑफ एम माइनस लॉग ऑफ एन जो है दैट इज लॉग ऑफ एम बाय एन, तो दिस इज लॉग ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। सो ये आपका वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स का इंटेग्रल है। तो इसकी डेरिवेशन भी आ सकती है, पेपर में सीबीएसई में दो तीन बार आई हुई है, तो यू शुड नो कि आपने इसको कैसे करना है। पहले टू ए से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई किया, फिर थर्ड स्टेप में मैंने दोनों स्टेप्स इकट्ठे कर दिए, नेक्स्ट स्टेप में प्लस एक्स माइनस एक्स किया एंड देन एक एक्स प्लस ए के साथ, एक ये माइनस एक्स प्लस ए के साथ लिया हमने, क्योंकि डिनोमिनेटर में भी हमारे पास एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए है। यहाँ पे हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, देन इनको सेपरेट करके लिखा, जो टर्म्स कैंसिल हो रही थी कैंसिल की एंड देन हमने इंटेग्रल ले लिया वन अपॉन एक्स माइनस ए का, दैट इज लॉग ऑफ एक्स माइनस ए, वन अपॉन एक्स प्लस ए का इंटेग्रल इज लॉग ऑफ एक्स प्लस ए। लॉग में दो टर्म्स जब आपकी माइनस होती हैं तो दैट कैन बी रिटन एज लॉग ऑफ एम बाई एन, तो सेम वे वी हैव रिटन, तो दिस इज योर फॉर्मूला। नेक्स्ट जो हमारा फॉर्मूला है दैट इज वन अपॉन ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। आपने एक चीज का ध्यान रखना है, जहां पे हमारे पास एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर है, एक्स पॉजिटिव है तो ऊपर वाले में भी आपका एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए आएगा, लेकिन जब ये फॉर्मूला हमारा ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर बन जाता है, सेम वे में आपने ये स्टेप आपका सेम रहेगा, ये स्टेप आपका सेम रहेगा, यहाँ पे जो है आपका ये चीजें सेम चलेंगी, सिर्फ जो आपका यहाँ इसमें डिफरेंस आएगा दैट विल बी कि जब आप उसको चेंज करोगे तो चेंज करते हुए आप प्लस वन अपॉन यहाँ पे आपका प्लस के फॉर्म में आएगा, तो वन अपॉन क्योंकि हमें ए माइनस एक्स और ए प्लस लेना है, तो यहाँ पे जो है आपका एक वन अपॉन ए माइनस एक्स के फॉर्म में आएगा और एक आपका वन अपॉन ए प्लस एक्स के फॉर्म में आएगा। यहाँ पे एक्स माइनस ए था, यहाँ ए माइनस एक्स था, तो इसको कन्वर्ट करते हुए नेगेटिव जो है वो आपका माइनस इंटू माइनस यहाँ पे प्लस हो गया, तो ये सेम रहेगा। तो जब आपका फॉर्मूला बनेगा दैट विल बी ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स, तो इसका आपने ध्यान रखना है। तो इंटेग्रल ऑफ वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में ऊपर आपका ए प्लस एक्स आएगा और डिनोमिनेटर में ए माइनस एक्स आएगा, ये नेगेटिव बनता है और ये पॉजिटिव बनता है, न्यूमिनेटर में लॉग ऑफ ए प्लस एक्स आएगा। यहाँ साइन देख लेना कि किस हिसाब से आपका बना है, तो अकॉर्डिंगली जो है वो आपका नेगेटिव साइन आ जाएगा यहाँ पे, दिस विल बी नेगेटिव। तो वन अपॉन एक्स प्लस ए अपॉन विद नेगेटिव साइन है ए माइनस एक्स, नहीं साइन यहाँ पॉजिटिव रहेगा, जब आप लॉग लोगे ना डेरिवेटिव के साथ उसका आपका नेगेटिव साइन आएगा, अदरवाइज यहाँ पे वो पॉजिटिव बन गया नेगेटिव लेके, सो मेक द करेक्शन ओवर हियर। यहाँ पे नेगेटिव साइन जो है क्योंकि हमें ए माइनस एक्स की फॉर्म में लिखना था, नेगेटिव साइन लेके ये पॉजिटिव बन गया। जब आप इसका इंटेग्रल लोगे लॉग ऑफ ए माइनस एक्स डिवाइडेड बाय द डेरिवेटिव ऑफ ए माइनस एक्स दैट इज माइनस वन, तब यहाँ पे आपका माइनस का साइन बनेगा, सो मेक द करेक्शन ओवर हियर। देन थर्ड वाला जो है हमारा दैट इज इंटेग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जहां पे भी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में आ गया इट मींस दैट इज रिलेटेड टू टैन इनवर्स, तो वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये आपका फॉर्मूला है दैट इज वन बाय ए टैन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। अब इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे आपने क्या करना है, जो आपका एक्स आपको गिवन है इसको हम पुट कर लेंगे टैन थीटा, सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम करेंगे, पुट एक्स इज इक्वल टू ए टैन थीटा, तो डी एक्स आ जाएगा आपका ए इंटू सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा,
तो यहाँ पे आप रिप्लेसमेंट कर दोगे, और यहाँ हो जाएगा dx की जगह आ जाएगा आपका सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब यहाँ से ए स्क्वायर जो है आपका कॉमन आ जाएगा, ए स्क्वायर जब आप कॉमन लोगे तो 1/a² ये हो गया आपका, और यहाँ पे ए सीकेंट स्क्वायर थीटा था, दिस इज ए सीकेंट स्क्वायर थीटा, ये वाला ए भी मैंने बाहर लिख लिया, सो दिस इज सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन 1 प्लस tan² थीटा डी थीटा। अब आपको पता है 1 प्लस tan² थीटा जो है दैट इज सीकेंट स्क्वायर थीटा अगेन, ये वाला ए स्क्वायर से कट के 1/a आ गया, ये हो गया आपका सीकेंट स्क्वायर थीटा अपॉन सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये कैंसिल आउट हो गया, यानी कि वी आर लेफ्ट विद 1/a इंटेग्रल ऑफ 1। अब 1 का इंटेग्रल जो है दैट इज थीटा, तो यहाँ से जब आप थीटा की वैल्यू निकालोगे तो थीटा विल बी 1/x / a टैन इनवर्स, तो जब आप थीटा की वैल्यू पुट करोगे तो दिस इज 1/a टैन इनवर्स x / a प्लस सी जो है वो आपने लगाना ही लगाना है, सो दिस विल बी योर फॉर्मूला फॉर 1/a² प्लस x² dx, इंटेग्रल ऑफ 1/a² प्लस x² dx इज 1/a टैन इनवर्स x/a। आपको फॉर्मूला पता है 1/1 + x² वाली जब फॉर्म होती है दैट इज रिलेटेड टू टैन इनवर्स, तो जब 1/a² प्लस x² है तो दैट इज 1/a टैन इनवर्स x/a। यहाँ ध्यान रखना है जो x² - a² या a² - x² वाले आपके फॉर्मूले हैं उसमें 1/2a है, बट जो आपका फॉर्मूला a² + x² वाली फॉर्म है वहां पे 2 नहीं है, 1/2a नहीं है, हेयर इट इज 1/a। छोटी छोटी चीजें हैं इनका आपने ध्यान रखना है, और ये फॉर्मूले आप बार बार लिख के देखोगे तो आपको इजीली लर्न हो जाएंगे, देन यू कैन डायरेक्टली इम्प्लीमेंट देम। अब फोर्थ फिफ्थ सिक्स के मैं सिर्फ आपको ये बताऊंगी कि किसको क्या पुट करना है, दैट यू विल ट्राई योर सेल्फ एंड देन फॉर्मूला हम करेंगे उसका। नेक्स्ट जो है हमें गिवन है 1/√x² - a², अब यहाँ ध्यान देना कि हमें यहाँ पे रूट की फॉर्म में गिवन है, तो हमने यहाँ पे क्या करना है, एक्स को हम पुट कर लेंगे ए सीकेंट थीटा, इस वाले क्वेश्चन में जहाँ पे रूट की फॉर्म में गिवन है हम इसको पुट करेंगे ए सीकेंट थीटा, क्योंकि हमें पता है सीकेंट स्क्वायर थीटा -1 जो है दैट इज टैन थीटा, तो x² - a² अंडर द रूट वाली जब फॉर्म आ गई तो पुट एक्स इज इक्वल टू ए सीकेंट थीटा। अगेन सेम वे में डेरिवेटिव लेके डीएक्स रिप्लेस करोगे तो ये आपका फॉर्मूला बनेगा लॉग ऑफ एक्स प्लस √x² - a² प्लस सी, लॉग ऑफ एक्स प्लस √x² - a² प्लस सी, यहाँ पे रूट में है x² - a², यहाँ पे भी रूट में रहेगा, साथ में एक्स प्लस हो जाएगा, लॉग के साथ 1/ कुछ भी नहीं आ रहा, ये ध्यान रखना 1/a या 1/2a नहीं आ रहा जहां पे लॉग वाली फॉर्म में लोगे लॉग एक्स प्लस √x² - a². सेम वे में 1/ अगर आ जाता है x² + a², यहाँ पे भी जो है आपका प्लस का साइन आ जाता है, फॉर्मूला सेम रहेगा लॉग ऑफ एक्स, यहाँ पे भी प्लस रहेगा ये ध्यान रखना, दोनों में एक्स प्लस की फॉर्म में आ रहा है, सिर्फ यहाँ जो रूट के नीचे है वो आपका एज इट इज आ जाएगा, तो 1/√x² - a² है या 1/x² + a² अंडर द रूट है तो दैट इज लॉग ऑफ एक्स प्लस जो भी रूट के नीचे है वो एज इट इज आ जाएगा, x² - a² का ले रहे हो तो x² - a² आएगा, x² + a² का ले रहे हो तो x² + a² आ जाएगा। अब लास्ट जो है इसमें हमारा दैट इज 1/√a² - x² अच्छा इस वाले में भी आप एक्स को जो है वो इस वाले में ए टैन थीटा पुट करोगे क्योंकि प्लस है, तो यू नो 1 + tan² थीटा जो है दैट इज सीकेंट स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट इज इंटेग्रल ऑफ 1/√a² - x² dx, यहाँ पे आप एक्स को ए साइन थीटा पुट करोगे तो दिस इज
इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। साइन इनवर्स के केस में अगेन वन अपॉन ए या वन अपॉन टू ए नहीं आएगा, तो दिस इज साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। तो अब ये हमने टोटल जो है वो सिक्स फॉर्मूले किए हैं। आई एम जस्ट राइटिंग दैट अगेन ताकि क्वेश्चन में आपको पता लग जाए वो कैसे यूज करनी है। हमारा जो फर्स्ट फॉर्मूला था दैट वॉज वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो दिस इज वन अपॉन टू ए लॉग ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। सेकेंड में वी वर हैविंग ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो दिस इज वन अपॉन टू ए लॉग ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में ए प्लस एक्स ऊपर आएगा, ये ध्यान रखें ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स प्लस सी लगाना ही लगाना है। देन वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इज वन अपॉन ए टैन इनवर्स एक्स अपॉन ए। इन दोनों में टैन वन अपॉन टू ए है, जहाँ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ गया वहाँ वन अपॉन ए है। देन वन अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दिस इज लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बुक में है ये फॉर्मूले आपके, तो यू कैन लर्न फ्रॉम देयर। वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है अगर, तो यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ जाएगा। एंड द लास्ट वन वन अपॉन एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट। अब रूट में वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर या वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर जब होता है तो दैट इज रिलेटेड टू साइन इनवर्स। तो ये वाला फॉर्मूला है आपका साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। साइन इनवर्स के साथ कोई वन अपॉन ए कोई वन अपॉन टू ए नहीं आएगा, यानी कि जहाँ पे रूट वाले आपके फॉर्मूले आ गए उसमें वन अपॉन कुछ नहीं है। जहाँ विदाउट रूट वाले हैं ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में वन अपॉन टू ए आ रहा है, जहाँ पे प्लस का साइन आ गया वहां पे वन अपॉन ए आएगा, ये ध्यान रखना है। तो इन्हीं फॉर्मूलेज पे बेस्ड जो है हमारी नेक्स्ट वाली जो है एक्सरसाइज है एंड दैट वी आर सपोज टू डू। क्वेश्चन नंबर वन देखिए इसका, एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर वन। हमें यहाँ पे गिवन है 3x स्क्वायर अपॉन x टू द पावर 6 प्लस 1। अब देखो अगर मैं देखूं तो x टू द पावर 6 का अगर मैं इसको जैसे हम सब्स्टिट्यूशन फॉर्म करते थे अगर मैं इसको t पुट करती हूँ तो ये मेरा उसका जो है डेरिवेटिव नहीं बन रहा। हम यहाँ पे क्या करेंगे x टू द पावर 6 को रीराइट कर लेंगे, एक्स क्यूब का स्क्वायर प्लस वन की फॉर्म। अब एक्स क्यूब का डेरिवेटिव बन रहा है ऊपर तो हम एक्स क्यूब को टी पुट करेंगे तो 3x स्क्वायर dx क्या आ जाएगा हमारे पास dt। अब ये रीराइट हो जाएगा, वन को भी आई कैन राइट डाउन एज वन स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर dx दिस विल बी रिप्लेस्ड बाय dt and 1 upon x cube will be replaced by t, so t square plus 1 square. अब ये मेरी फॉर्म बन रही है 1 upon a square plus x square. तो अब 1 upon a square plus x square का आप फॉर्मूला लगा दोगे, 1 upon a square plus x square is 1 upon a tan inverse x upon a plus c भी है साथ में। So यहाँ पे टी स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी कि ए की वैल्यू वन बन रही है। तो जब आप इसका फॉर्मूला लगाओगे वन बाई ए मीन्स वन अपॉन वन हो जाएगा, उसको हम ओमिट कर देंगे तो दिस इज टैन इनवर्स टी प्लस सी। ये आप डायरेक्ट भी देख सकते हो, आपको पता है वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर जो है दैट इज द फॉर्मूला ऑफ उसका इंटेग्रल जो है दैट इज टैन इनवर्स एक्स, तो आप डायरेक्ट भी लगा सकते हो। अब टी को रिप्लेस कर दोगे एक्स क्यूब से and this will be your answer, tan inverse x cube plus c, this is your answer. So this was your question number one. तो हमने इसमें जो हमारे questions होंगे हमने यही करना है इसमें कि इनमें से किसी ना किसी form में आपका बनेगा। root है तो नीचे वाले तीन में से कोई formula लग जाएगा, without root है तो ऊपर वाले तीन में से, depending on बीच में x square minus a square form बन रही है, a square minus x square बन रही है,
a square plus x square बन रही है, that you have to see. Now moving on to question number 2. So again I am telling you कि these questions need a lot of practice. Next question में we are having 1 upon root 1 plus 4 x square. अब एक चीज का आपने यहाँ ध्यान रखना है कि मुझे जितने भी यहाँ पे ये गिवन है फॉर्मूले उसमें x का कॉफिशियंट हर जगह पे 1 बन रहा है, और यहाँ पे जो मुझे अब क्वेश्चन गिवन है x का कॉफिशियंट क्या है 4. इट मीन्स पहला काम मेरा क्या है, मुझे x स्क्वायर का कॉफिशियंट जो है दैट शुड बी 1. तो इसके कॉफिशियंट को 1 बनाने के लिए यहाँ से मैं 4 कॉमन ले लूंगी. इसको x स्क्वायर में आगे ले आई, 4x स्क्वायर प्लस 1 लिख लिया, x स्क्वायर आ गया यहाँ पे, प्लस यहाँ पे 1 था, 1 में से जब मैंने 4 बाहर लिया तो इट मींस मैं 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो मुझे डिवाइड भी करना पड़ेगा. सो ये फॉर्म बन गई हमारे पास 1 अपॉन 4 टाइम्स x स्क्वायर प्लस 1 बाय 4. अब 4 जब आप रूट में से बाहर लोगे तो वो 1 बाय 2 आ जाएगा, तो मेरे पास क्या रह गया यहाँ पे, x स्क्वायर प्लस 1 बाय 4. 1 बाय 4 को आई कैन राइट इट डाउन एज 1 बाय 2 का स्क्वायर. अब ये मेरे पास फॉर्म बन रही है 1 बाय रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाली. 1 बाय रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मीन्स दिस वन. सो यहाँ पे ये वाला 1 बाय 2 आपका एज इट इज आ जाएगा क्योंकि ये कॉन्स्टेंट है, ये फॉर्मूले का नहीं है, ये ध्यान रखना है आपने. बाकी क्या फॉर्मूला है मेरा, 1 बाय रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. 1 बाय 2 का स्क्वायर लिख लो चाहे इसको, चाहे 1 बाय 4 लिख लो, दैट्स वन एंड द सेम थिंग. सो दिस इज योर आंसर. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन में अगेन हमारे पास 2 माइनस एक्स की फॉर्म गिवन है. तो 2 माइनस एक्स, एक्स नेगेटिव गिवन है तो हमें इसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा. सो दिस इज 2 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 1. तो मैं क्या करूंगी यहाँ पे, 2 माइनस एक्स में से माइनस मैंने बाहर ले लिया, इसको रीराइट कर लिया. 2 माइनस एक्स होल स्क्वायर में से माइनस मैंने बाहर लिया, x माइनस 2 बन गया, पूरे का क्या है स्क्वायर. अब जब स्क्वायर में से आप माइनस का साइन बाहर लोगे तो दैट विल बिकम पॉजिटिव. नेगेटिव का जब आप स्क्वायर करोगे दैट विल बी पॉजिटिव. तो ये बन गया 1 अपॉन x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 1. सो अगेन कौन सी फॉर्म बन रही है ये आपकी, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाली फॉर्म बन रही है. अच्छा, इसके नीचे ऊपर रूट भी है, रूट इज ऑल्सो देयर. अगर रूट नहीं होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाली फॉर्म बन रही है तो ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये रूट में है तो रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मीन्स ये वाला फॉर्मूला लगाओगे. तो दिस विल बी इक्वल टू लॉग ऑफ, अब यहाँ ध्यान देना है आपने, एक्स की जगह मेरे पास क्या है एक्स माइनस 2, तो log ऑफ x की जगह क्या मैं यहाँ पे पुट करूंगी, x माइनस 2. तो log ऑफ x, ये पूरा x है आपका, तो log ऑफ x प्लस रूट एज इट इज प्लस c. तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3. सो आई होप नाउ द मेथड इज क्लियर टू यू कि हमने किस तरीके से ये क्वेश्चंस करने हैं. इफ एनी डाउट इज देयर अप टू दिस पॉइंट यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ एंड आस्क योर डाउट, अदरवाइज वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट 9 माइनस 25 एक्स स्क्वायर. अगेन यू विल सी कि जो आपका यहाँ पे आपको गिवन है 9 माइनस 25 एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का जो आपको कॉफिशियंट गिवन है दैट इज अदर देन 1. तो क्योंकि ये अदर देन 1 है तो हमने अगेन क्या करना है, इसको एक्स स्क्वायर के कॉफिशियंट को हमने 1 बनाना है.
25 आप बाहर ले लोगे, तो दिस विल बिकम 9/25 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हमने 25 बाहर ले लिया। अब ये अगेन क्योंकि कांस्टेंट है आपका, तो हम इसको फिर से बाहर ले लेंगे। अच्छा, ये भी रूट के नीचे है ये। सो आप जब इसको बाहर लोगे तो 1/5 रूट के नीचे है, बाकी क्या बन गया आपका 9/25 कैन बी रिटन एज 3/5 स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। अब 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट, 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट, तो दिस इज साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। अब यहाँ ध्यान देना है आपने कि ये वाला 1/5 जो है वो एज इट इज लिखना है, ये फॉर्मूले का पार्ट आपका नहीं है। अब साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए क्या है, 3/5, तो दिस इज 3/5 प्लस सी। So this is your question number 4. Question number 5 में 3x upon 1 plus 2x to the power 4. अब देखो अगेन, पहले कुछ भी इसको स्क्वायर के फॉर्म में लाने के लिए x to the power 4 के कोफिशियंट को हमें क्या बनाना है, 1 बनाना है। सो एक्स टू दी पावर फोर के कोफिशियंट को 1 बनाने के लिए 2 हम कॉमन ले लेंगे, सो दिस विल बी 3x अपॉन 3 भी हम बाहर ले लेते हैं ये वाला, सो दिस इज x dx अपॉन 1/2 हो जाएगा यहाँ पे प्लस x टू दी पावर 4। अब ऊपर जो है इसका डेरिवेटिव नहीं बन रहा, तो x टू दी पावर 4 को हम क्या करेंगे, स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे, तो दिस कैन बी रिटन एज x स्क्वायर का स्क्वायर, और इधर 1/2 जो है दैट कैन बी रिटन एज 1/√2 का स्क्वायर, सो दिस इज 1/√2 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर dx। लेट मी फिनिश दिस एंड देन आई विल एंड द मीटिंग। एक्स स्क्वायर को t पुट कर लो, 2x dx आपका dt आ जाएगा, तो x dx कितना आ जाएगा, 1/2 dt। तो x dx को आप 1/2 dt से रिप्लेस करोगे, ऑलरेडी एक 2 अपॉन में था, दूसरा ये 1/2 आ गया, तो ये बन गया आपका 3/4 इंटेग्रल ऑफ 1/1/√2 का स्क्वायर प्लस t का स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान देना, ये फॉर्मूला आपका कौन सा बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाली फॉर्म बन रही है, यानी कि 1/a tan इनवर्स x अपॉन a वो फॉर्म लगाओगे, बाद में t को आप रिप्लेस कर दोगे एक्स स्क्वायर से, एंड देन यू विल गेट योर आंसर। So this question you will complete yourself, and rest of the questions we will do in the next period. Today we are having our 2 periods, so that we will do in the next period. If any doubt is there, you can ask for the doubt.